ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 इन योर इंस्टीट्यूट मैट। जिनके पास मैट नहीं है वो उनके साथ बैठे जिनके पास मैट है। आप लोग का मैट आ जाएगा ना एक दो दिन में, ऑर्डर किया हुआ है। चलो ठीक है, देखिए इन्होंने भी अपने तरफ से ये लर्निंग आउटकम्स बनाया, बट जो बनाया और जो है उसमें जमीन और आसमान का फासला है। एक और मुझे अच्छा लगा, हर चैप्टर के एंड में आप देखिए, इस चैप्टर 1 का एंड कहां पे हो रहा है, कितना पेज का चैप्टर है। मैंने एक और अच्छा चीज किया, जितना जैसे इंस्टीट्यूट मैट का जो सॉफ्ट कॉपीज था चैप्टर वाइज था, मैंने सबको मर्ज कर दिया, तो ये मेरा सिंगल बुक है। 460 पेजेस का बुक है। जीरोक्स कराते तो 250 रुपया लगता, और बुक आता इतना मोटा, इतना पतला नहीं आता। एक साइकोलॉजिकल चीज, 460 पेज का बुक उतना मोटा होता, इतना मोटा हैंडल करते करते हालत खराब हो जाता। मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि चैप्टर का एंड देखिएगा, एक समरी शीट बनाया हुआ है विच कवर्स मोर और लेस व्हाट इज देयर इन योर चैप्टर। इन एवरी चैप्टर दे हैव डन दिस गुड थिंग, आई विल से। सो दिस विल हेल्प यू टू मेक योर ओन समरी, बट आई विल नॉट से जस्ट एक्सेप्ट दिस। जैसे अगर जो बच्चे, आप अपना नोट्स किसी को बांटना नहीं जाता, ठीक, तो अब जो बच्चे बोले अरे यार समझ नहीं आ रहा, तो उनको एक एडवाइस दे देना, एक काम कर, मैट के एंड में जा, हर चैप्टर के एंड में समरी दिया हुआ, और वो ज्यादा सही है, एक बार के लिए तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो समरी है इसमें इतने सारे पॉइंट्स है, उससे समझ में ही आ रहा है कि काफी कुछ लिखा है, बट इस तरह से 100% नहीं पढ़ा जा सकता। इसको रीड करके यू माइट बी एबल टू ड्रॉ योर शॉर्ट समरी। इसको भी पढ़ने में वक्त लगेगा, बट इसको रीड करके यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली ड्रॉ योर ओन समरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला हेडिंग में चलते हैं। आप अपना लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टडी जो मैंने लिखाया उसको भी फॉलो करेंगे। मैं मार्किंग करता जाऊंगा कि कहां से क्या शुरू हो रहा है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मैंने दिया 1A में। मैंने जो दिया उसको भी ध्यान देंगे, वो हमारा रोड मैप है कि हम लोग को क्या पहले पढ़ना है। एंड 1A शुरू हो रहा है यहां से, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब दुनिया वाले ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेजमेंट को कैसे सोचते थे। ये इंटर का सिलेबस था जिसमें एक पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वही है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, कि कॉस्ट मैनेजमेंट यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को आप कैसे देखा करते थे। इसमें 4 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 4 फीचर्स। नंबर 1, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ये देखिए यहां पे मिलेगा, आप ऐसे लिखेंगे साथ में, क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ याद नहीं रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ रेफरेंस के लिए, और बाकी आपको लिखना है। नंबर 2, फोकसेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बाकी लोग भी लिखते रहो ना, कॉपी में आप लिखते रहो ना बाबा, खाली मत बैठो, पेज पलट दो एकदम, हाँ लास्ट में आके लिखते रहो कि 1A में 4 फीचर्स लिख रहे हैं। कॉपी में लिखते रहिए, ध्यान रहेगा, लिख लिख के दिमाग में बैठेगा, खाली बैठेंगे दिमाग कहीं और टिकट कटा लेगा तुरंत। ये देखिए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन मिला। नंबर 3,
अर्न बेटर प्रॉफिट्स, यानी मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। ये देखिए, अर्न बेटर प्रॉफिट्स। चौथा फीचर, वेरिएंस एनालिसिस एंड कंट्रोल। बस इसी पे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, एंड करेक्शंस, वेरिएंस एनालिसिस और करेक्टिव एक्शंस। ये सब भी देखे कि अंडरलाइन किसे करना है। कुछ बच्चे जब थ्योरी पढ़ते क्या करते, स्केल पेंसिल लेके बैठते, खेच खेच खेच, कोई फायदा नहीं है उसका। सिर्फ वही अंडरलाइन की जाए जो काम का है, सीधा सा बात, और जो काम का है उसको साइड में नोट कर लिया जाए वापस से, जैसे कि सुपर डुपर काम का लगे, लगे कि हाँ यही पढ़ना है बस, अब ये कहां था ये अश्योर करना है तो मार्किंग किया हुआ है। सो व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट? इट वॉज मोर अबाउट हाउ टू एलोकेट कॉस्ट योर प्रोडक्ट्स। इट वॉज अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, मीन्स रिड्यूसिंग कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल इज, वी से कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन में एक फर्क होता है। कंट्रोल इज आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, उस एक्चुअल को स्टैंडर्ड लेवल पे रखना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉस्ट रिडक्शन इज लॉन्ग टर्म रिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड को रिड्यूस कर दिया। ओके, स्टैंडर्ड रिड्यूस एक दिन में नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड कॉस्ट रिड्यूस होता है जब आपका बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ही आपने कम कर लिया, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। द थर्ड हियर इज वेरियंस एनालिसिस एंड कंट्रोल, एंड द फोर्थ इज ऑफ कोर्स यू हैव टू प्लान टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। ओके, दैट वाज बेसिक थिंग। अब अगर यही सिस्टम हम चलाते रहेंगे तो हम कहां कहां फंस जाएंगे। देखिए, पहले था खाली व्हाट इज, अब बहुत सारा ऐड हुआ है। अगर ये चलेगा तो क्या होगा, ये चलेगा तो इसके छह लिमिटेशंस है जो यहां पे ड्राइंग में दिया हुआ है, सिक्स लिमिटेशंस। नंबर वन, देखिए क्या चीज इग्नोर कर रहा है। इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। नंबर टू, देखिए एक्सेसिव कॉस्ट ऑन फोकस रिडक्शन, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान देता है बट कॉस्ट रिड्यूस करने का इंपैक्ट पे ध्यान नहीं देता, ठीक। तीसरा, इग्नोर्स डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, मतलब बदलता मार्केट और बदलता इकोनॉमी पे कॉस्ट का असर क्या होना चाहिए उसका ध्यान नहीं है। फोर्थ, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, मतलब सुधार कैसे लाई जाए उस पर फोकस था, करेक्टिव एक्शन बोल के था, इसलिए लिमिटेड फोकस, नो फोकस नहीं बोल रहे। फिफ्थ, रिएक्टिव अप्रोच, मतलब कुछ होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा, रिएक्टिव मतलब होने के बाद आंख खुलेगा, कुछ होने के बाद देखेंगे, दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है, पहले से तैयार है, शॉर्ट टर्म आउटलुक। अब देखिए, छह का छह पॉइंट याद रहेगा जरूरी नहीं है, बट ये छह लिमिटेशन बोल के रखोगे तो तीन चार तो याद रहेगा ही। इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां है मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ कॉस्ट एलोकेशन कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट टर्न करने का सोच रहा है, सिर्फ अपना कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के बारे में सोच रहा है। तो और सुधार कैसे लाई जाए, मार्केट की जरूरत और इकोनॉमी की डायनामिज्म को कैसे अपने अंडर अडॉप्ट की जाए, वो सब के ऊपर यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए क्या, इसीलिए हमें चाहिए नया तरह का कॉस्ट मैनेजमेंट जो इस लिमिटेशन को अपना एडवांटेज बना ले। अब इसी पिक्चर का वापस से डिस्कशन यहां पर है, उसके बाद हम लोग आ गए अब स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जानने के पहले आपको सुनना है स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेटजी, एनीवन? ऐसे लिखा हुआ आप छोड़ दीजिए, ऐसी स्ट्रेटजी मतलब क्या होती है, थोड़ा सोचिए ना, पार्टिसिपेट करके इंटरेक्ट करके आप सीख जाओगे। जो वीडियो क्लास में वो लोग मन में तो सोच ही सकते हैं, व्हाट इज स्ट्रेटजी, प्लान, वेरी नाइस। सो
माई स्ट्रेटजी फॉर क्रिसमस इज टू डिस्ट्रीब्यूट केक्स टू अंडर प्रिविलेजेस, करेक्ट? इज दिस स्ट्रेटजी? तो प्लान बोला ना आपने, तो माई प्लान फॉर क्रिसमस इज टू डिस्ट्रीब्यूट केक्स टू अंडर प्रिविलेजेस. हाँ, हर प्लान को स्ट्रेटजी बोलेंगे क्या? आज शाम का क्या स्ट्रेटजी है? क्या स्ट्रेटजी आज शाम का? क्या शाम का क्या प्लान है? तो प्लान तो स्ट्रेटजी वर्ड नहीं सूट कर रहा. तो वेरी नाइस, यू हैव टू अचीव अ गोल. टू अचीव दैट, वॉट एवर एक्शंस यू डिजाइन, दैट इज स्ट्रेटजी, करेक्ट? सो अगेन, दैट गोल इज वन और दैट गोल इज एवर चेंजिंग? नो, गोल इज सपोज टू बी वन. एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना, अगर सब्जेक्ट में घुसे तो वो लोग बोलते गोल टाइम टू टाइम सेट किया जाता था, बट विजन एक होता है. तो स्ट्रेटेजी वर्ड हमेशा विजन को टारगेट करता है, क्या आप क्या बनना चाहते हो उसके लिए जो कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेटजी. अब स्ट्रेटजी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसको आप गोल बोल सकते हो, जिसको आप ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो, जिसके लिए आपकी कंपनी को अपना ब्रांड इमेज तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी कंपनी को कस्टमर रिटेंशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी कंपनी को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स, जीरो डिफेक्ट वाले गुड्स बनाने पड़ेंगे. एंड दैट कैनॉट हैपन इन अ डे, दैट हैज टू बी ओवरऑल फोकस्ड विथ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. सो व्हेन यू से स्ट्रेटजी इज अ प्लान, इट्स नॉट जस्ट अ प्लान, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू गेट वॉट यू लुक्ड फॉर. ठीक है, जैसे स्टीव जॉब्स ना, जब पहली बार एप्पल का सीईओ बने तो उन्होंने प्राइवेट मीटिंग बुलाई. स्टीव जॉब्स ही एप्पल का फॉर्च्यून बदला. तो उन्होंने उस मीटिंग में डिस्कस किया, इसका यूट्यूब में भी इंटरव्यूज है, एकदम यंग स्टीव जॉब्स हाफ पैंट में घूम रहे हैं अपने मीटिंग में, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा उसका वीडियो है, बहुत पुराना, जिसमें वो बता रहे हैं कि एप्पल जिस का विजन से दुनिया में आया था, टू हेल्प मैनकाइंड, टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ मैनकाइंड थ्रू टेक्नोलॉजी, टू एम्पावर डिजिटल डिजिटलनेस टू ह्यूमैनिटी, वो नहीं कर पा रहा है. सो ये हमारा विजन है, अब से अब जो भी हम एप्पल में करेंगे दैट विल बी सोलली फोकस्ड ऑन दिस. वो मीटिंग में सबको ऐसे समझा रहा है कि एप्पल इतने साल से माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही वो शुरू हुआ था, इनफैक्ट पहले शुरू हुआ था, बट क्यों माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे निकल गया, एप्पल पीछे रह गया. तो वो कमियां बता रहे, क्योंकि हम लोग हमारा विजन भूल गए, हमने हमारी स्ट्रेटजी विजन के लिए बनाई नहीं, हम लोग बीच बीच में भटकते चले गए. तो आप जो भी अपना डायरेक्शंस बनाते हो टू अचीव दैट वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज योर स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी वंस मेड कैनॉट बी चेंज, यू हैव टू फॉलो इट. ये वर्ड स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस एकेडमिकली दुनिया में भरने वाले थे मिस्टर माइकल पोर्टर. माइकल पोर्टर इज कॉल्ड एज गॉडफादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. इन्होंने स्ट्रेटजी दुनिया को सोचना सिखाया. ही वॉज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इज स्टिल अलाइव, 1947 बॉर्न, इज 70 ईयर्स ओल्ड, इज स्टिल अलाइव. यस, अपने को लगता है किताब में नाम आ गया, मरमरा आ गया होगा, इतिहास हो गया होगा. हाँ, जिसका नाम किताब में आ जाए वो मर गया, मतलब मेरा नाम बुक में लिखा हुआ है, गजब. What is strategy? Michael Porter क्या बोलते? If we're going to have a good strategy, we've got to think clearly about what strategy is.
And we've got to separate strategy from the other kind of goals and objectives and issues that managers often think about. On this slide are really the big three mistakes in terms of defining strategy. Mistake number one. My strategy is to internationalize. I hear that kind of thing all the time. My strategy is to consolidate my industry. My strategy is to ramp up my R&D budget. My strategy is to outsource more of my production. Is that a strategy? No. Those are steps that your organization may want to take. They may be good steps. They may be appropriate steps. They aren't a strategy. The strategy is what unique position will we be able to achieve? What's our advantage going to be at the end of the day as we take these steps cumulatively over time? That's the strategy part. The strategy part's about how are we going to be unique, how are we going to have an advantage, how are we going to sustain that advantage over time. The steps we take are not the strategy. But you'd be surprised how many companies get themselves fixated on a particular action that they want their organization to take, and that becomes the strategy. And of course, it then often drives the company literally off the cliff because they kind of don't understand why they're doing it and when they should stop doing it. थोड़ा आपको एक्सेंट में दिक्कत होगा, अब आदत डालिए, अभी बहुत सारे ऐसे आएंगे सरप्राइजेस, बट कीवर्ड्स तो कैच होता ही है. पूरा भाषा नहीं समझ में आता, कीवर्ड्स तो कैप्चर हो ही रहा था कि स्ट्रेटजी कैनॉट बी एवरी डे. स्ट्रेटजी कैनॉट बी लाइक माई स्ट्रेटजी इज टू इंटरनेशनलाइज, माई स्ट्रेटजी इज टू रिड्यूस डिफेक्ट्स, माई स्ट्रेटजी इज टू hire more employees, my strategy is to retain employees. That cannot be a strategy. Those are your steps to achieve some objectives. Strategy is basically a guiding plan for achieving your final objective, which is supposed to last for some years. Okay, so yahan par जो डेफिनेशन छोटा सा दिया हुआ है, स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस. दिस इज वेरी वीक डेफिनेशन वी विल से. इफ यू जस्ट मेमोराइज दिस आपके एग्जाम का काम हो जाता है, बट समझने के लिए इसको स्ट्रेटजी नहीं बोलते. स्ट्रेटजी इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि इट इज जस्ट वन स्टेप, बट स्ट्रेटजी इज सपोज टू हैव सेवरल स्टेप्स. इट इज ऑब्वियसली दैट्स वाई दैट दे आर राइटिंग सेट ऑफ एक्शंस. But set of actions has to be designed and followed in order to achieve one organizational goal or organizational vision or organizational objective. Okay. So, यहाँ पर एक अच्छा इनका aim बताया गया है जो आपको देखने को मिलेगा. The basic aim of strategic cost management is to help the organization to achieve sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. मतलब देखिए, स्ट्रेटेजी वर्ड आप जब यूज करते हो तो यू कैन हैव स्ट्रेटेजी फॉर एनी विजन ऑफ योर कंपनी. इफ योर कंपनी इज एनविजनिंग समथिंग, यू कैन मेक अ स्ट्रेटेजी टू अचीव इट. जैसे रिलायंस वाले ने अपना स्ट्रेटेजी लिखा, जियो ने, कि दे वॉन्ट टू प्रो बिकम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेटा नीड ऑफ द कंट्री. दे हैव रिटन दैट इन देयर विजन. ठीक, सो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट हैपन इन वन डे. सो वट एवर दे आर डिजाइनिंग टूडे और वट एवर दे विल बी डूइंग नेक्स्ट 5 years विल बी फॉर अचीविंग दैट. करेक्ट, बट दैट इज strategic management is about. We are studying a branch of strategic management. It is strategic cost management. Strategic financial management is a different paper. SFM. We are studying right now SCM. जब वो बोलते हैं ना तो वो strategic management है. Strategic management is about getting that vision.
एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक पार्ट आ रहा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का काम क्या है कि आप जो कर रहे हो वो दूसरों से कितना बेहतर कर रहे हो और वो कर पाना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप ला पा रहे हैं तो आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करना आता है, नहीं तो नहीं आता है। ट्रेडिशनल भाषा भूल जाइए, खाली वो कॉस्ट का बंटवारा करना, अपना वेरिएंस निकाल के करेक्शन करना, कॉस्ट को कम करते रहना, दैट इज ऑफ नो यूज। व्हाट यू हैव टू ऑलवेज सी इज आप दूसरों से बेहतर हो कि नहीं, और उस बेहतर होने को सस्टेन करना है। कैसे करना है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बता रहा है। अब पढ़िए, इट इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू टू मीडियम्स दे आर सेइंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। दिस एंटायर चैप्टर इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दिस थिंग। मतलब यू कैन से दिस इज द फोकस ऑफ SCM इज टू फोल्ड, रादर आई विल से वन फोल्ड। वन इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यही मेन लाके देगा। ओके, सस्टेनेबल मतलब चलता रहे कंटिन्यूअसली, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आप दूसरों से कितने बेहतर कर पा रहे हो। और उसके लिए दो साधन बता रहे हैं लोग, एक कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब दिस इज यू कैन से द मेन फोकस ऑफ योर SCM। जैसे मेन फोकस ऑफ ट्रेडिशनल मैंने बताया ना, चार है। क्या है इसका मेन काम? कॉस्ट बांटो, जितनी बार रिपीट करोगे उतना इजी हो जाएगा। कॉस्ट बांटो, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिड्यूस करो, वेरियंसेस एनालाइज करो, करेक्ट करो और प्रॉफिट बढ़ाओ। बस अपने अपने बारे में था। और अभी क्या है, आप जो हो वो ठीक है बट कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर निकल रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं हो। मतलब यहां पे बोल रहे आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए आप कहां हो। आपको सिर्फ अपने अपने में नहीं रहना है, बाहर आइए अपनी गुफा से और देखिए दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वहां से आप कितने बेहतर हो तब बताइए, और ये बेहतर जो आज है आप उसको सस्टेन कैसे करेंगे उसकी पढ़ाई जारी हो रही है। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग योरसेल्फ बेटर, इट्स अबाउट कीपिंग योरसेल्फ बेटर ओवर अदर्स। ओके, एक बहुत अच्छा यहां पे दो क्या एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल एक बार पहले आपसे ओरली डिस्कस करते फिर आपको प्रैक्टिकली बताते। जैसे देर इज अ कंपनी विच हैज अ हैबिट ऑफ कंडक्टिंग रिपेयर्स एज एंड व्हेन इट्स मशीनरी ब्रेक्स डाउन एंड इट गेट्स इट रिपेयर्ड बाय द बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग टीम। अनदर देर इज अ कंपनी विच फॉलोज अ रूटीन मेंटेनेंस पॉलिसी where their engineers visit even when the machinery has not broken down. So what is traditional, what is strategic? Carrying out repair, bola na reactive approach hai traditional, jab kuch hoga tab dekhenge, correct? And without actually breaking down, if you are carrying on the preventive maintenance, that is strategic. बिकॉज स्ट्रेटेजिकली आप क्या सोचते हो पता है, आपका सोच कितना चलता है रिपेयर वर्सेज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। स्ट्रेटेजिकली आप सोचते हो कि अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया तो रिपेयर आने के बाद इंजीनियरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बड़ा ब्रेकडाउन ही आएगा ना सीधा। हमेशा रूटीन मेंटेनेंस सस्ता होता है और बड़ा रिपेयर महंगा होता है, ठीक। दूसरा आपका सडन इम्प्लॉय लॉस होगा, मतलब इम्प्लॉय का आइडल टाइम जनरेट हो जाएगा। तीसरा आपका कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाएगा, उसको मेकअप करने के लिए ओवर टाइम वगैरह कराना पड़ेगा, तो इम्प्लॉय पे परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा। फिर आप बोलोगे इम्प्लॉय लोग काम नहीं करता है, वो इम्प्लॉय इतना वर्कलोड ले लेगा कि उसको लगेगा कि कंपनी छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है यहाँ पे। फिर कहीं ना कहीं आपका कस्टमर लॉयल्टी पे क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ब्रांड इमेज अफेक्ट होगा। छोटा सा चीज के कारण कितना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा कवर करके आपको एक रास्ता बताता है। इट्स ऑल अबाउट
the holistic view. It's all about the 360 degree impact of your decision. Don't just think about yourself. Think about the overall objectives that the company is having. That is strategic cost management about. Generally, क्या होता है? Traditionally, एक मान लीजिए कंपनी है जिसका बहुत सारा सर्विस सेंटर्स है एक शहर में, तो उसने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के लिए क्या किया कि रैंडमली मान लीजिए 20% कॉस्ट घटाने के लिए 20% सर्विस सेंटर्स क्लोज कर दिए, इसको बंद कर दीजिए. तो उससे क्या हुआ, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कॉस्ट रिडक्शन हो गया, 20% बंद कर दिया तो 20% का कॉस्ट बच गया. अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे सोचेगा, अब सोचो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ. हाँ, कस्टमर्स को ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा सर्विस के लिए. दूसरा और सोचिए, दिमाग चलाइए, केस स्टडी इसी को बोलते हैं. सोचिए और क्या होगा, सर्विस सेंटर हमने 20% बंद कर दिए, कॉस्ट रिडक्शन तो कर लिया, ब्रांड इमेज पे कॉम्पिटिटर आपका बुरा ही करना शुरू करेगा, है ना. कॉम्पिटिटर को एक साधन मिल गया कि अरे देखो बंद कर रहा है ये तो जा रहा है, आप हमारे साथ आ जाओ. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में नेगेटिव हो गया जो मेन फोकस है SCM का, और कस्टमर वेटिंग बढ़ गया, है ना. परफॉर्म, अब एक सेंटर पे अगर कस्टमर ज्यादा आने लगेंगे किसी सेंटर पे, तो एम्प्लॉय के ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ गया, एम्प्लॉयज के ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ गया, फिर वही बात, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाएगा उसको, करेक्ट. सो देर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टेकिंग अ कॉल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. पहले क्या था ट्रेडिशनली, कॉस्ट रिडक्शन अक्रॉस द जोन्स, बस एक अनाउंसमेंट करना हेड ऑफिस को, सबको करना ही होगा. बट उसका इम्पैक्ट क्या है वो नहीं सोचते हम लोग. जैसे अभी क्या हुआ कि स्नैपडील ने अपने 8000 एम्प्लॉयज को सैक कर दिया. क्यों? कॉस्ट रिडक्शन करना था, ट्रेडिशनल वे, दैट इज ट्रेडिशनल वे. आज 8000 आदमी कितना भरोसा लेके कंपनी के साथ जुड़े थे, जब स्नैपडील में नौकरी लगी थी तो वो कहीं ना कहीं सेल्फी लेके पोस्ट मारा होगा, आई गॉट द जॉब फाइनली इन माई ड्रीम कंपनी इन वन ऑफ बिग ई कॉमर्स जायंट. कितना भरोसा लेके वो लोगों से लेके गया और जॉब किया, 6-8 महीना बाद पता चला कि कंपनी का दिवालिया निकल रहा है, कॉस्ट रिडक्शन करना होगा, 8000 एम्प्लॉय को नोटिस दे दिया. तो उसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की कंपनी इतनी बुरी जाएगी कि एम्प्लॉय लोग भी उसका सामान नहीं खरीदेंगे, 8000 कस्टमर्स तो गए आपके. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसको कवर करता है. ऑब्वियसली अगर ये न्यूज पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं अब स्नैपडील क्या लेना है, तो बंद होने वाला है. कस्टमर जो स्नैपडील से रिलेटेड भी नहीं था, अब वो फ्लिपकार्ट पे चला जाता है, अब वो कहीं और ही चला जाता है, माथा ही नहीं लगाते कब बंद हो जाएगा, पता नहीं अपना प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा. तो व्हाट दे डिड वाज अ ट्रेडिशनल एक्शन, दे कुड हैव हैंडल्ड इट मोर स्ट्रेटेजिकली. दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अबाउट. ठीक, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स ए एंड बी. इफ द कंपनी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी, द सेल ऑफ ए वुड फॉल डाउन बाई 25%. ए में देखिए रेवेन्यू 60 है, बी में 35 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पे 35 है, 25 है, ये जीपी इसका 25 और 10 है, तो बी में जीपी कम है. ठीक है, ओवरहेड्स देख रहे तो बी में बहुत ज्यादा ओवरहेड्स है, बी में नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बी बंद कर दे, इसलिए लाइन दिया हुआ है कंपनी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग बी, द सेल ऑफ ए वुड फॉल डाउन बाय 25%. नाउ व्हाट इज योर एनालिसिस हियर, ये सम रेलेवेंट कॉस्टिंग में ऐसा किए हुए, जीपी को आप कॉन्ट्रीब्यूशन सोचो, ऐसे ही सोचो ना आप, यहां पर डेटा देख के सोचो कि रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम लोग किए हुए हैं इस तरह का सेम सम किए हुए. करना चाहिए क्या, बी को बंद करना चाहिए, क्या होगा, प्रॉफिट और कम हो जाएगा, कैसे, बी से 10 रुपए आ तो रहा ही है ग्रॉस प्रॉफिट में, कंट्रीब्यूशन में. ठीक है, ओवरहेड्स तो ऐसा नहीं ना, बी हटेगा तो उसका 12 रुपए ओवरहेड भी हट जाएगा, और बी जाएगा तो ए का 25% लेके जाएगा, तो आपका ए का 25% कितना होता है,
25 का 25% कितना होता है? 6.25 भी लेकर चला जाएगा। बी में लॉस 2 रुपया का ही है नेट में, करेक्ट। ओवरऑल बिना कैलकुलेशन के ही समझ में आ रहा है कि बंद नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनल इंसान होता ना, वो बोलता है बी नेगेटिव बंद करो। स्ट्रेटेजिक इंसान है तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं लॉस है बट बी जाने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसी को स्ट्रेटेजिक बोल रहे हैं। मतलब जो सामने में अपेरेंटली दिख रहा है उस पर कॉल नहीं लिया जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच के आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजिक। ठीक, जैसे एक एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिशनल है ना, दो मानसिकता है, आप ऐसा समझिए। ठीक, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने आवाज ऊंची की और मैंने यही डिसीजन ले लिया कि आज के बाद सारा रिश्ता खत्म, यह ट्रेडिशनल। वही स्ट्रेटेजिक क्या होगा, बिफोर डिक्लेयरिंग दिस स्टेटमेंट आई विल थिंक कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका और कितना कॉन्सिक्वेंसेस है। जब सारा सोच के आते हैं तो लगता है चल आज ही तो आवाज ऊंचा किया, इसके रहने से भविष्य में बहुत फायदा है, क्यों ऐसा करे भाई अपने, दैट इज स्ट्रेटेजिक। ओके, अब इसी का एनालिसिस कितना सुंदर दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज अप्रोच यूजिंग अ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट द कंपनी माइट डिसाइड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ बी बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई, इट हैज अ वेरी हाई, हाई वर्ड छूटा हुआ है यहाँ, इट हैज अ वेरी हाई ओवरहेड कॉस्ट एंड ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ ₹2, ये ₹ इन लैक्स है। इट डज अपियर्स टू बी प्रूडेंट टू क्लोज डाउन द प्रोडक्शन ऑफ बी। However, with additional information that sale of A would fall down by 25% if B is not sold, the decision might change. The company would lose 5 lakhs. That is 25% of. ये 20% कर दिया अभी. 25% of 20 lakhs. इसका net profit ले रहा है ये. ठीक है. हम लोग generally ये सब decision contribution पे लेते हैं. 25% of 20 lakhs. And 5 lakh is your basically net opportunity income because of B. You are gaining 5 lakh because of B. B रहता है तो 5 आता है, B रहता है तो 2 जाता है, B जाएगा तो 2 बच जाएगा but 5 लेके जाएगा, correct? तो because of reduced sales of A, the net loss of company if it decides to stop production B is 3 lakhs. That is ₹2 lakhs is savings from B and 5 lakh of loss of profit from A. Hence the decision to stop a production B is not prudent. मतलब यहाँ पे क्या समझा रहा है, समझ गए आप? जैसे B बंद कर दोगे तो you will save 2 lakhs. If B is closed, you will save 2 lakhs. But you will lose. Loss जो ये save B का 2 lakh बच गया. Loss जो हो रहा था B का बच गया. अगर B बंद कर दोगे. But you will lose what? 25% of A, 25% of profits of A, that is 5 lakh. So basically there will be a loss of 3 lakh. That is what we are indicating if B is closed. So B should not be closed, B should be kept running. Strategically sochiye, cheezon ko strategically sochna matlab uska impact charo taraf se sochiye. ऐसे फट से अपेरेंट डिसीजंस मत लीजिए। और आप स्ट्रेटेजिकली अगर जिंदगी में सोचने लग गए तो बहुत सारे मसले का हल हो जाएगा। समस्या खाली यही होती है, हम लोग तो अपेरेंट जो बात हुआ उसके ऊपर फट से हल्ला चिल्ली करके निकल जाते और फिर बाद में खुद ही गम बनाते रहते, कोई उसका सोल्यूशन नहीं देने वाला बाद में। आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा। मेरे को एक अच्छे जन ने बोला था, और ये थ्योरी हमेशा काम करता है, कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना हो और ट्रेडिशनली अपेरेंट सिचुएशन कुछ हुआ है तो ऑलवेज डेफर योर डिसीजन बाय 24 आवर्स। हम 24 घंटे बाद बात करेंगे, तो आफ्टर 24 आवर्स इट इज श्योर दैट यू विल गेट टू नो व्हाट इज द अदर इम्पैक्ट। वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बैठ जाएगा। उसके बाद आपको लगे कि सच में वी शुड क्लोज इट डाउन, क्लोज इट, बट 24 आवर्स का ये टाइम है ना, ऑटोमेटिकली दिमाग स्ट्रेटेजिकली सोच के सारा कंक्लूजन निकाल लेता है। तुरंत मत सोचिए।
बस यही यहां पे बात हो रही है, कोई भी मामला अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट में फेस कर रहे, डोंट हैंडल इट ट्रेडिशनली, हैंडल इट स्ट्रेटजिकली, बिकॉज स्ट्रेटजिकली यू हैव टू बी बेटर ओवर अदर्स. ओके, केस वन ये रिपेयर वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का है जो मैं आपको बता रहा था, रिपेयर वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. और केस टू वो टेलीकॉम कंपनी का क्लोजिंग डाउन सर्विस सेंटर्स के बारे में. आप दोनों को पढ़ लीजिए, आपके पास 5 मिनट है. देखिए मैंने कुछ की इम्पैक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है. आप देखिए, लॉस्ट टाइम प्रोडक्शन होगा, आइडल लेबर टाइम होगा, रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ मशीनरी एंड माइट लूज शेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. ठीक, फिर क्लोजिंग डाउन सर्विस सेंटर्स, आप अपने आप हाईलाइट करो तो मैच करना मेरे से. Overcrowding at other centers, longer waiting time, performance of employees, not happy with company's decision. कौन कौन जो key stakeholder है, customer और employees दोनों ही खुश नहीं. This type of business decision can impact the reputation and brand image, and impact the sales and profitability in the long run. कैसे सोचना है, ये दिमाग का तैयार हो रहा है. ऐसा मत सोचो ये पढ़ाई आगे तो सारी दुनिया वाले ट्रेडिशनल से स्ट्रेटेजिक हो गए. आपको अभी एक बताते हैं, हमारा HDFC बैंक का केस, ये केस स्टडीज है. आप ऐसा समझ लीजिए एक एक इंस्टेंस आपके लिए एक जिंदगी का केस स्टडीज है. एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे वी डोंट नो. ये सब पढ़ाई का फायदा क्या है पता है, बहुत अच्छा बात. अभी एक सेमिनार में ही मैंने एक प्रेजेंटर से सुना, आप जितना भी पढ़ते हैं ना लाइफ में, जो 1 साल से 25 साल तक पढ़ाई जाती है, जिसे जितना भी आप पेजेस पढ़ते हो, वो पेजेस आपके मेमोरी में ना स्टोर हो रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए. आप सोचते हैं ना क्या रेलिवेंस है, क्या रेलिवेंस है, क्या रेलिवेंस है, यू डोंट नो, इवन योर ब्रेन डजंट नो. बट द मोमेंट यू एंटर द रियल वर्ल्ड एंड यू नीड दैट इंफॉर्मेशन, द ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शो यू. ये ब्रेन का खासियत कि हाँ मैंने क्लास 4 में पढ़ा है, हाँ मैंने क्लास 6 में पढ़ा है, कब कौन सा पन्ना खुलेगा जिंदगी का, जिंदगी में वो मालूम नहीं. सो ऑल दीज इंस्टेंसेस भी जो मैं आपको बताता हूं, ये सब एक एक स्टडी है, कब जिंदगी में किस तरह से वो काम आए. जैसे HDFC बैंक ने भी नया सिस्टम क्या चालू किया, हमारे यहाँ पे कार्ड मशीन से हम लोग पेमेंट लेते हैं, तो मैंने आपको पहले भी इसका सिस्टम बताया हो, मैकेनिज्म. आप पे करते हो तो वो बैंक के पास होल्ड में रहता है, नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है और उसमें 1% चार्ज काटते हैं. ठीक है, 1% प्लस उसका सर्विस टैक्स, मतलब अभी GST 1.18% कट के हमारे अकाउंट में आता है. वी डोंट चार्ज दैट 1.18 टू स्टूडेंट्स, वी बियर इट फॉर स्टूडेंट्स. नाउ एक और नया पैतरा चालू किया अभी, उसमें पहले क्या था कि कार्ड मशीन लोग फ्री में ही लगाते, मतलब दे डोंट चार्ज फॉर इंस्टॉलिंग दैट मशीन,
बट देर इज अ लिमिट ऑफ मिनिमम ट्रांजेक्शन कि महीने का 15,000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, एल्स दे विल बिल 150 rupees पर मंथ. ओके, विच वॉज देन रिवाइज टू 500 इफ वी फेल टू मीट द लिमिट. दैट स्टिल एग्जिस्ट. ओके, अब एक और नया, एवरी डे वेन वी आर क्लोजिंग द डे what we have to do is we have to press one settlement button that today's day is over, you can credit this amount to our bank account. After that only the amount will be credited. And that settlement requires basically when we press any button that goes through phone call. Okay, when you are again giving us the card to swap, that is again coming when the phone call is on. Basically वो एक call होता है. आपका कार्ड मशीन क्या कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है हमारे फोन से उनके सर्वर को, उसमें डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, एक फोन कॉल का बिल उठता है. मतलब वो कॉस्ट तुमने सोचा नहीं था कभी कि वो भी हमारा जाता है. मतलब इट्स नॉट 1.18%. वो फोन कॉल, वो प्रीमियम नंबर पे कॉल करते तो लैंडलाइन का जब बिल आता है तो उसमें उसका चार्ज लगा हुआ होता है. तो दैट चार्ज वी बियर. सो इफ वी हैव डन वन प्रोसेसिंग, इफ द कार्ड प्रोसेसिंग फेल्स देन कॉल तो हो गया. वैसे ही जब हम लोग सेटलमेंट करते हैं तो एक कॉल होता है, एक फोन का मीटर उठ जाता है. चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं लोग, जितना बार सेटलमेंट सक्सेसफुल होगा, दिन में अगर हम 3 बार कर देंगे तो वो 3 बार सक्सेसफुल सेटलमेंट का बैंक में, आप सोचिए जिसमें डिजिट्स लाखों में चल रहा है, 1 रुपया डेबिट करते हैं बैंक वाले. 1 रुपया 16 पैसा, 18 पैसा. सोचिए अकाउंटिंग करने वाले को क्या हैसल, उसका अकाउंटिंग का एक टाइम चला गया, हर दिन का एक एंट्री और मारो 1 रुपया 18 पैसा. अब किया क्या कंपनी ने, अपना कॉस्ट रिकवरी का एक माध्यम बैठा है कि जितना सेटलमेंट होता है उसका 1 रुपए करके चार्ज कर लो. 1 रुपए किसी को देने में दुखता नहीं, बट दुखता नहीं है बट आप उसके कारण कितना हैसल्स यहां पे क्रिएट कर दिए वो सोचिए, अकाउंटिंग हैसल्स. और 1-1 रुपया करके आज हम, मेरा जैसा ही आदमी साल में मिनिमम एक सेटलमेंट तो हर दिन कर रहा है, तो 365 रुपया तो उनको फोकट का दे रहे. और ऐसे 1 करोड़ यूनिट लगा दिया अगर इन्होंने पूरे इंडिया में, तो 365 करोड़ तो कमाई आ गई. ये ट्रेडिशनल वे ऑफ इनकम, शॉर्ट टर्म सोच, दिस इज शॉर्ट टर्म थिंकिंग. साल भर चलाएंगे फिर विड्रॉ कर लेंगे, जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आएगा ना फिर विड्रॉ कर लेंगे, तब तक कमा लिया. ये ट्रेडिशनल थिंकिंग. हो क्या रहा है, हम लोग बैंक का तो मालिक को तो पकड़ नहीं पाते. अपने रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ो, बोले सर हम भी क्या करें बताइए. मतलब नीदर कस्टमर इज हैप्पी नॉर एम्प्लॉय इज हैप्पी. सर क्या करें आप बताइए, मेरे पास भी सबका फोन आ रहा है और 1-1 रुपए के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सब पॉलिसी बना रहा है इतना बड़ा बैंक होके बना रहा है, तो क्या करें. मतलब एक अच्छा काम करे कस्टमर से, एक लमसम ले ले भाई, ठीक है ये बोल के ले कि ऐसा लगेगा अचानक से 1-1 रुपए का मीटर डाउन कर दिया. दैट्स ट्रेडिशनल केस. मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया इतना एडवांस हो गया बट अभी भी कंपनियां कहीं कहीं ट्रेडिशनल चल रही है. कुछ कुछ एक्शन ट्रेडिशनली वो लोग ले ही लेती है, उसका स्ट्रेटजिक इंपैक्ट नहीं सोचती है. ओके, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में एक आपका ये आता ही था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, इट इज वी कॉल दैट एज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, जिसमें स्टेजेस बोलते हैं. स्टेजेस ये एक हेडिंग है, 4 स्टेजेस. ये मेरा 1B में था ना, आप चेक करिए 1B, 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये रहा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, देखिए मार्किंग देखिए, स्टेज 4. फ्लो को फॉलो करिए, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट बोल रहा है स्ट्रेटजी बनाओ,
दूसरा बोल रहा है सबको बताओ, कम्युनिकेट करो। तीसरा बोल रहा है फिर करवाओ, खाली बताने से थोड़ी होगा, उनसे करवाना होगा, टैक्टिस डेवलप करो। टैक्टिस वर्ड जब आता है ना तो इट इज टॉकिंग अबाउट वेज ऑफ डूइंग इट। टैक्टिस माने वेज ऑफ डूइंग इट, कैसे करना है वो, उसका ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो बताओ। फोर्थ सुधारवाओ कि भाई सब ठीक हो रहा है कि नहीं, गलत कहां हो गया, डिविएशन कहां आ गया, यही हो रहा है ना। पढ़िए अब, फॉर्मुलेट करो मतलब बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, कम्युनिकेट करो टू ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबको बताओ। तीसरा डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टैक्टिक्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स मतलब वेज ऑफ डूइंग इट, करवाओ और हो जाने के बाद डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू मॉनिटर द सक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कर पा रहे हो कि नहीं, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं, उस पर सुधार करवाओ। अब ये चार आपको अपने समरी नोट्स में डालने हैं, फोर स्टेजेस जो हेडिंग मैंने डाला था। नेक्स्ट, एक टेबल है यहां पे, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन को कवर कर लेता है पॉइंट टू पॉइंट। एक्चुअली इसके ऊपर होना चाहिए था बट ठीक है, इसके पढ़ने के बाद इसका जरूरत नहीं पड़ता, मतलब दिस इज ऑलरेडी कवर्ड हियर, दिस नेसेसिटी इज ऑल कवर्ड हियर। नेसेसिटी यू व्हेन यू विल रीड यू विल फाइंड रिपीटेशंस इफ यू हैव स्टडीड ऑल दीज। सो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखिए क्या है, एक बार आप पढ़िए, टाइम स्पेन के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म सोचे लॉन्ग टर्म सोचे, ट्रेडिशनली अपना अपना सोच रहे थे, देखिए सारी बातें मैं कवर किया हूं, अपना अपना सोच रहे थे, इंटरनल फोकस था वहां पे, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फोकस है। हाँ, अब ये सब पॉइंट्स आप धीरे धीरे सीखोगे, ये कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट जो है ये आप सीखोगे, अभी शुरू नहीं किए हम लोग। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मैनेज कॉस्ट में जो इंटर में सीखते थे, आप ऐसा सोचिए ना, जब कॉस्ट एलोकेशन करते थे तो कॉस्ट एलोकेशन के लिए वॉल्यूम को बेसिस बनाया करते थे, और अभी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एबीसी फोकस्ड है, बोल रहे हर एक्टिविटी का अलग ड्राइवर होना चाहिए, दैट्स व्हाई देयर इज नेम कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोग बोलना चाहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलता था, और यहां पे हम लोग बोलना चाह रहे कि एबीसी कॉस्टिंग चलाना चाहिए, एबीसी चलाना चाहिए। फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल था जो आपको चार में मैंने बता ही दिया था, और यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से आप क्या क्रिएट करोगे, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कुछ कीवर्ड्स में इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको हर आंसर में उसको बोलते ही रहना है, कीवर्ड्स नहीं घुसा अगर आपके आंसर में तो आपका आंसर का क्वालिटी खत्म हो गया। मेन फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन, बट इधर एक नया नाम दिया है, ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट कंटेनमेंट, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट एट द सेम टाइम। मतलब कॉस्ट रिडक्शन पे खाली ध्यान न दे, आप ये भी सोचे कि कहीं आपका वैल्यू रिडक्शन तो नहीं हो रहा है, जो वैल्यू चेन सिखाता है, वैल्यू चेन का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन यही रहता है कि कॉस्ट रिड्यूस कराएंगे आपका, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपका ब्रांड इमेज चला जाए, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी चला जाए, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन। देन अप्रोच इज रिस्क एवर्स, अप्रोच इज रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडैप्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। रिस्क एवर्स मतलब आप यहाँ पे रिस्क अवॉइड करते हैं, अपने आप में कंटेंट रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा डायनामिज्म का रिस्क लेते हैं और चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे आइए, 1B का एक और पार्ट था, 1B का एक और पार्ट था कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। मैंने बोला था 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, नाम वहां पे भी बता दिया था, यहां पे भी दिखेगा आपको, 3 कॉम्पोनेंट है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। देखिए, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। सो नंबर 1 इज वैल्यू चेन एनालिसिस, मतलब स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझने के लिए ये 3 आपका जानना बहुत ही जरूरी है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड नंबर 3 इज स्ट्रेटजिक पोजिशन।
एनालिसिस, करेक्ट। ये तीन कंपोनेंट हैं, ओके। अब वापस इसको इन्होंने एक डायग्राम से बनाया खूबसूरत सा, देखिए। ये लीवर की तरह बताने का मतलब है कि ये तीनों ही पूरा मशीन चला रहे हैं। लीवर बनाने का ऑब्जेक्टिव है, जैसे समझिए कि ये घूम रहा है तो वो घूम रहा है, वो घूम रहा है तो ये घूम रहा है, ऐसा ऑब्जेक्टिव है। अब स्ट्रेटजिक पोजीशन में आ जाते हैं, तो स्ट्रेटजिक पोजीशन इज बेसिकली डिटरमाइनिंग वेयर यू आर पोजिशनड इन द इंडस्ट्री दैट यू शुड नो, ओके। स्ट्रेटजिक पोजीशन में आई क्लासीफाई दिस इंटू टू पार्ट्स। देयर आर स्ट्रेटजिक पोजीशन का आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। नाउ व्हेन यू आर डूइंग एक्सटर्नल इंटरनल देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। ये सब आप लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़े हो। पेस्टल पढ़ के आए थे, याद है? पेस्टल फुल फॉर्म बता सकते हैं, पी फॉर पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो, एनवायरमेंटल, लीगल, सब याद है आपको। पेस्टल के बाद नंबर टू पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, ये नाम वापस से पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी आपसे पूछे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर, तीन हो गया। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्पिटिटिव राइवलरी। सो यू नीड टू नो कि वॉट एवर प्लेस यू आर हाउ दीज थिंग्स इंपैक्ट यू, आपको किस किस चीज का फर्क पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से स्वॉट एनालिसिस भी एक मॉडल था। स्वॉट में S और W इंटरनल होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। इंटरनल में जो मेन फोकस है हमारा यहां पे वो वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन से आप पूरा जान सकते हो कि आपके यहां पे क्या चल रहा है, और एक बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये भी इंटरनली होता है कि आपके यहाँ पे कल्चर क्या रहा है, लोगों से कैसे बात की जाती है, लोग क्या सोचते हैं, सबको डरा के खाली ऑर्डर वाला सिस्टम है कि सबको अपना अपना डिसीजन लेने बोला जाता है, वर्क कल्चर क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है कि डिसेंट्रलाइज है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड आता है, देखिए सब नाम आपको मिलेंगे, देखिए पेस्टल लिखा हुआ है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस लिखा हुआ है, बट उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब नहीं है ऐसा मत सोचिए। आपको ब्रीफ आइडिया सबका होना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में जानकारी वापस लेनी हो इंटर का मैट में चले जाएंगे, नहीं मिला इंटर का मैट में तो गूगल जिंदाबाद, अब तो सब चीज है वहां पे। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर में दो तरह के ड्राइवर होते, टू टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स आर देयर। ये हम लोगों ने ऑल्सो क्लास में कहां पढ़ा था, टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर का क्लास नोट्स देखेंगे तो वहां पे भी मिलेगा, टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर ऑफ एसजीसी मैट, उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि दो तरह के कॉस्ट ड्राइवर होते, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, यू हैव टू चूज दीज कॉस्ट ड्राइवर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपके यहाँ मास प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, मास प्रोडक्शन वही जो आपको दिखाया गया था असेंबली लाइन में खड़े होकर बहुत सारे लोग बना रहे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, रोबोटिक सिस्टम है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना कॉस्ट ड्राइवर चूज करोगे तो दैट इज स्ट्रक्चरल, मतलब यू हैव टू समटाइम्स फिक्स अपॉन अ ड्राइवर बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन वॉट टाइप ऑफ प्रोड्यूसर यू आर। If you are a service provider, the structure will become different. If you are, say, job manufacturer,
your structure will become different. If you are having mass production system, your structure would be different. If you have manual jobs, your structure would be different. If you use robots in your production system, your structure would be different. Structure also is connected to scale. Structure also is connected to scale. We say structural drivers jitne hote hain, uska direct impact hota hai cost ke upar. Jaise scale bada hoga, to cost kam hoga. Economies of scale milenge. Wahi technology mass production ke liye use karoge, to cost bahut kam aayenge. Per unit cost bahut kam aayenge. Quantity produced bahut jyada hoga. But agar ek jagah gap aa gaya, to bahut jyada losses bhi ho sakta hai. Correct. तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये है नंबर ए. स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होता है, विच अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट. देखा, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट अफेक्ट्स द कॉस्ट एंड इट इज मेजरली कंसर्न विद स्केल. A larger scale, देखिए यहां लिखा हुआ है, larger scale of operation is likely to give an advantage of economies of scale. मिला. Then usage of technology in your organization is also structural thing. Technology. तीसरा, the learning curve effect या learning experience that you have already possessed. The learning curve or learning experience. देखिए, लार्जर स्केल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपीरियंस और लर्निंग कर्व, दीज थ्री आर सपोज टू बी द स्ट्रक्चरल थिंग्स. अब ये कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब आप ऐसा समझिए कि ये तीन से कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है. कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट इंपैक्ट योर कॉस्ट. व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? कॉस्ट ड्राइवर इज आर द थिंग्स और द फैक्टर्स दैट ड्राइव्स कॉस्ट अप और ड्राइव्स कॉस्ट डाउन. आपके यहां कॉस्ट ज्यादा होने का या कम होने का कारण ये तीन हो सकता है. उसी तरह से एक एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स हैं. ये हम लोग एबीसी चैप्टर में पढ़ते थे. एबीसी चैप्टर में आपको हर एक्टिविटी का ड्राइवर दिया जाता था. वो एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स होते थे, जैसे सेटअप के लिए नंबर ऑफ बैचेस. याद आ रहा है एग्जाम्पल? सेटअप के लिए नंबर ऑफ बैचेस, मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स रिसीव्ड. सो दोज वेर एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स. इट इज बेस्ड ऑन फर्म्स ऑपरेशनल डिसीजन ऑन हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर बेसिकली ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट लेआउट एक्सेट्रा. मतलब आई विल से एग्जाम्पल में इसका, नंबर वन जैसे इट इज कनेक्टेड विथ वर्कफोर्स, नंबर टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इफेक्ट, प्लांट लेआउट कि प्लांट कहां कहां पे है उसके कारण कॉस्ट बढ़ता है. देखो कॉस्ट ड्राइवर वर्ड मतलब आप एबीसी अगर खाली सोचोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. अभी यहां पे किस तरह से बताया जा रहा, अभी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम नहीं लिया हम लोग यहां पे कॉस्ट ड्राइवर मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट योर कॉस्ट. बिकॉज एससीएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू लो कॉस्ट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब लो कॉस्ट करने के लिए पहले जानो तो सही किसका असर कॉस्ट पे पड़ता है. तो एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का असर पड़ता है, और दूसरा आप किस तरह से काम करते हो उसका असर पड़ता है. सिंपल सा बात. कॉस्ट ड्राइवर मतलब एबीसी एबीसी सोचोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा. पर्टिकुलरली आप ऐसे सोचिए कि क्या चीज का असर कॉस्ट पे पड़ता है. व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर इंडिकेटिंग? व्हाट अफेक्ट्स आवर कॉस्ट? व्हाट अफेक्ट्स द कॉस्ट? इसको जानना जरूरी है. व्हाट अफेक्ट्स द कॉस्ट? What affects the cost? Cost पे किसका असर पड़ता है? ठीक है, तो एक आपके स्ट्रक्चर का असर होता है, और दूसरा आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हो. आपका वर्क फोर्स का असर होता है, आपका टीक्यूएम का असर होता है, क्वालिटी पे आप कितना ध्यान देते हो, और आपका प्लांट लेआउट मतलब कहां कहां पे प्लांट फिक्स कर रखे हैं काम करने के लिए.
पोजीशनिंग कहाँ है अंदर में, उसका भी असर होता है. एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ है उसके ऊपर भी कॉस्ट का इम्पैक्ट है. ओके, एंड देन द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स में. इफ यू सी हमारा लिस्ट के हिसाब से, देखिए वन बी था, देन टू नंबर था, देखिए स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग था क्या लिस्ट में. पोजीशनिंग में इंटरनल एक्सटर्नल मैंने बता दिया. थ्री था हमारे लिस्ट के हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर. फोर्थ वैल्यू चेन एनालिसिस. अब ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक, वैसे तो वैल्यू चेन का सिनॉप्सिस आपको टारगेट कॉस्टिंग में मिला, बट इट वॉज मोर लाइक वॉट इज नाउ, हाउ टू पे घुसना है, तो इट हैज टू बी मोर डिटेल्ड नाउ. ये आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का मेन फोकस एरिया के सब चीज में वैल्यू चेन को कैसे यूज करना है. मतलब पूरा जो सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहां पे सिखाया जा रहा है वो वैल्यू चेन के जरिए सिखाया जा रहा है. वैल्यू चेन एनालिसिस में दोस्तों पहला मेरा जो कंसर्न था वो आपको सिखाना था, व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू. यूटिलिटी, यस, सिंपल मीनिंग इज यूटिलिटी, बट व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी एक्सपेक्टेड बाय योर कस्टमर्स, एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड बाय कस्टमर्स. अपना मन से यूटिलिटी मत देने जाइए, यूटिलिटी उतना ही दीजिए जितना जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करिए. हां, फिर दूसरे जो कर रहे उससे थोड़ा अच्छा करिए. दैट इज ओनली द मेन ऑब्जेक्टिव इन एवरी डिस्कशन हियर. सेकंड, व्हाट इज वैल्यू चेन, व्हाट इज वैल्यू चेन. अब ये व्हाट इज हमने पढ़ा है, माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन बताने के लिए दो तरह की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके इंटरलिंक किया. इट्स एन इंटरलिंक बिटवीन दीज एक्टिविटीज. वन इज प्राइमरी सेट ऑफ एक्टिविटी, अनदर इज सपोर्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज. नाउ व्हाट आर प्राइमरी, व्हाट आर सपोर्ट, दीज आर हियर इन द पिक्चर. यू रिमेंबर दीज नेम्स. प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो डील करता है मटीरियल्स हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग पे. Then operations is basically the processing part, machining, assembling and testing. Outbound logistic is again warehousing and distribution. Then there is marketing and sales. Generally क्या था ना, Mr. Porter के पहले traditionally primary में ये तीन ही आते थे बस. अब primary में आने लगे marketing भी, कि बिना marketing को primary बनाए आप बेचोगे कैसे, और आफ्टर सेल्स सर्विस भी. पहले ट्रेडिशनली ये सब प्राइमरी नहीं था, बाकी सब सपोर्ट मानते थे. और सपोर्ट में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज जनरल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्योरमेंट. ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी क्लास में किए हुए हैं तो मैं इसमें वापस एंट्री नहीं लूंगा और डेप्थ में. यू कैन रेफर, वापस से लिख देते हैं, आपको क्लास नोट्स रेफर करना है. बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर एसजेसी का, उसमें इसमें सारा कवर किया हुआ है, इसके क्वेश्चन वर्जन सब कवर किए हुए. ठीक है, तो प्राइमरी सपोर्ट में वापस नहीं जा रहा बिकॉज ये सब किए हुए हैं. ये इलस्ट्रेशन लुधियाना वाला भी क्लास में किया हुआ है, एसजीसी मैट में था. इफ यू विल से आई विल गिव यू द पेज नंबर ऑल्सो. याद आ रहा है कि क्वेश्चन था कुछ अभी हाल फिलहाल में जो लोग क्लास के टारगेट कॉस्टिंग का.
पेज 594 केस स्टडी के में इंक्लूड करके कराया गया था. ठीक है, तो इसका मुझे और कुछ अभी बोलना नहीं है. आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. कि वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड दिस इज योर सीरियल नंबर. जैसे 4ABC चल रहा है, ये 4 का A था मान लो, 4A, 4B, 4C, 4C, हाउ टू डू वैल्यू चेन. आप देखिए नोट्स में हाउ टू डू वैल्यू चेन करके एक नोट्स था ना मेरा सीरियल में, वो बाद में आ रहा है. आप यहां पे नोट कर सकते खाली हाउ टू डू वैल्यू चेन कहां पे आएगा, मैं लिख देता हूं. 4C एक लिखा था ना मैंने, हाउ टू, नहीं नहीं वो तो था ही उसके पहले, हाउ टू डू वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं लिखाया था. 4 का 3 ही लिखाया था क्या? पहला क्या लिखाया था, व्हाट इज वैल्यू, दूसरा वैल्यू चेन, तीसरा बस. अच्छा तब ठीक है. तो 3 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में हम लोग आ रहे हैं. दिस इज योर 4C स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. मतलब दिस आर 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 रिक्वायरमेंट्स बिफोर वी डू वैल्यू चेन एनालिसिस. 1, 2, 3 पहले बोलता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर समझो, फिर बोल रहा है आप कोर कॉम्पिटेंसी समझो, फिर आप सेगमेंटेशन समझो, फिर मेरे पास आओ मैं वैल्यू चेन करके दूंगा. देखिए पहला लाइन में लिखा है वैल्यू चेन एनालिसिस रिक्वायर्स, इसके बिना वैल्यू चेन नहीं कर पाएंगे आप. वैल्यू चेन समझने के पहले आपको 3 चीज जानना है. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज लाइक वही स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग इन द इंडस्ट्री आपको जानना है, जिसमें इन लोगों ने क्या सिखाया. देखिए इसका सीरियल नंबर क्या है, 5 में आ गए ना हम लोग. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है, जो आप ऑलरेडी अभी नाम बोल रहे थे क्या क्या. ये रहा नाम पिक्चर में, देखिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड 5th को बीच में डाला है राइवलरी अमोंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. नाउ इसमें अगेन ये एरो जो घूम रहा है चारों को लेके, इट इज इंडिकेटिंग कि इसका इम्पैक्ट इज कंटिन्यूअस. यू शुड नॉट डू इट जस्ट फॉर वंस, यू शुड कीप इवेल्युएटिंग इट कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग टुमारो अगेन, डे आफ्टर टुमारो अगेन, समथिंग लाइक दिस. ओके, इट इज यू कैन से दीज आर यूज्ड एज, दीज आर टू बी यूज्ड एज अ डायनामिक एनालिटिकल टूल. एंड ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट्स एवर चेंजिंग इंपैक्ट. एवर चेंजिंग इंपैक्ट, हर समय इंपैक्ट इसके चेंज ही हो रहे हैं. इसके एग्जाम्पल्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे पहले मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ क्लास में, अभी हाल फिलहाल वाला बैच में तो किया ही है, बट फिर भी रिपीट करता हूं. नोकिया कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सैमसंग टीवी बनाने वाला कंपनी, मतलब एक होता है ना कि
कहां से न्यू एंट्रेंट आएंगे. एक होता है ना कि हमारा ही कंपनी तो जैसे नोकिया फोन बनाता है, तो कोई फोन बनाने वाला कंपनी नया लेके आएगा तो नजर किस पे रखे, मोटोरोला पे रखा और नजर रखा ही होगा जो कंपनी फोन बनाता है. नजर किस पे रखे, सीमेंस पे रखो, सीमेंस फोन बनाता था. बट हुआ तो एकदम ही अजीब, एक टीवी बनाने वाला कंपनी फोन लेके आ गया और ऐसा लाया स्मार्टफोन की पूरा दुनिया ही बदल के रख दिया, नोकिया गायब कर दिया पूरा. अंडरस्टूड, दिस इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. कोडेक कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल फोन आके उसका दिमाग खत्म, कंपनी बंद करा देगा, कभी नहीं सोचा था. दिस इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. फ्रॉम वेयर द कॉम्पिटिशन विल कम अप, यू कैन नेवर गेस अबाउट इट. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव, इट्स एवर चेंजिंग, इट्स वेरी डायनामिक. ओके, देन when they are talking about bargaining power of buyers, ऐसे सोचो, अब इसमें खाली नाम याद रखने से तो होगा नहीं ना, एक दो इनपुट लीजिए. bargaining power of buyers, what they talk about, यहां पे बोल रहे हैं अगर आपकी कंपनी रिसोर्सेस बाय करती है ऐसे, सॉरी bargaining power of buyers मतलब आपके कस्टमर्स, आपकी कंपनी ऐसे कस्टमर्स को सेल कर रही है जो मान लो स्टैंड अलोन है, लार्ज स्केल है. जैसे मान लीजिए आपका कस्टमर गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली उसका बार्गेनिंग पावर हाई होगा, तो आप तो दबे हुए हैं, तो ऐसा थ्रेट वाला बिजनेस करना क्यों है. समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अगर आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जो बहुत बार्गेन करते हैं और वो डोमिनेटिंग पोजिशन पे हैं क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट बायर्स, तो दे विल हैव गुड बार्गेनिंग पावर. तो आपको लॉस में बेचना है क्या, आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो कैसे चलेगा. तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिनेरियो. सिमिलरली इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट इन अ जोन वेयर सेवरल सिमिलर कस्टमर्स, सिमिलर सेलर्स लाइक यू आर देयर, तो कस्टमर्स हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. व्हेन कस्टमर्स हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस दे विल बार्गेन अ लॉट. सो ईदर यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन or you have to understand how much they can bargain, what is the level below which you will not accept. Try to understand what Porter means to say by the term bargaining power of buyer. So you have to identify your zone accordingly. ki kahan pe mujhe jagah diya jayega, kahan pe mujhe chance diya jayega. Correct. वैसे bargaining power of supplier is same. If supplier is government, he'll bargain a lot. If supplier is using a superior advanced technology which you cannot imitate, which you cannot create of your own, they will pressurize you. They will keep their own price. As a consequence, your final product's price will increase. So in that case, you should do backward integration. There is a solution to this. If you know the bargaining power of supplier, कि आपको वो बहुत pressure करता है, तो आपको लग रहा है कि वो stand alone नहीं है, आप अगर उसका creation कर सकते हो by investing extra, आपको लगता है कि उसके बचना है, तो you can do that. Or you can find a substitute raw material. आप उस पर निर्भर ही मत होइए. उस bargaining power of supplier से बचना है आपको. ठीक है, bargaining power of buyers में देखिए यहां पे एक point है. The bargaining power of buyers generally determines the ability of buyer. It is basically the ability of buyer to push the price down. A buyer अगर बहुत ज्यादा volume purchase करता है तो उसका ability high होता है, bargaining power high होता है. If the cost of switching supplier, a buyer has higher bargaining power if the cost of switching supplier is very low. मतलब उसके लिए अगर कोई दूसरा बेचने वाला रेडी है तो बार्गेन ज्यादा करेगा. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना दोस्त, जैसे आप कस्टमर हो, मान लो मैं आपको बेच रहा हूं, तो आप एक बार मेरे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो आप बहुत वॉल्यूम लेते हो तो मुझे दब के रहना होगा. और दूसरा, मेरे जैसे और भी सेलर्स हैं, और अगर आप दूसरे सेलर में जाते हो ना तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ना बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. आप ऐसे ही किसी और को अपना सप्लायर नहीं बना सकते. तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होता है कि एक से दूसरा से आप खरीदना शुरू करेंगे.
वो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग अगर आपका बहुत लो है तो आप ऑब्वियसली ज्यादा बार्गेन करोगे, वही बता रहा है। अब हायर बार्गेनिंग पावर रिजल्ट्स इन लो प्रॉफिटेबिलिटी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज अगेन व्हेन देयर आर वेरी फ्यू सप्लायर्स, द सप्लायर कुड ऑल्सो डिक्टेट टर्म्स इफ द इनपुट सप्लाइड इज नॉट रिप्लेसेबल और व्हेन एन अल्टरनेट इनपुट इज नॉट अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स and laptops and can dictate terms to its buyers as buyers do not have multiple options to choose from. Jo bol raha aapko manna padega, correct? Wahi Gmail ka bhi halat, wahi Microsoft ka halat, hamare paas options bhi kya hai? The profitability of companies can shrink if the suppliers have a higher bargaining power. To ye bolna cha rahe hain ki aap kis zone mein ho, aap apne aap ko pata karo आपके ऊपर किसका असर ज्यादा पड़ता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, वेल मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, कस्टमर्स आर लाइकली टू स्विच। अ फर्म इन सच अ केस मस्ट रिजॉर्ट टू, कंपनी को क्या करनी चाहिए? देखो पहले था व्हाट इज, अब हाउ टू, क्या करना है। अ फर्म इन सच अ केस मस्ट रिजॉर्ट टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू रिटेन इट्स कस्टमर्स, वरना वो छोड़ के चला जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड इसमें सबसे सुंदर एग्जाम्पल है रिलायंस जियो, सबसे सुंदर एग्जाम्पल। तो तुरंत जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, सबको अपना अपना प्राइस गिराना ही पड़ा, ऑफर देना ही पड़ा, करेक्ट? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जैसे सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल मैंने भी आपको सब बताया ना कि कोडेक का जो ये मोबाइल फोन सब्स्टिट्यूट बन गया, दैट इज बेसिकली सब्स्टिट्यूट ओनली, यही लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट्स कुड बी फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, यही मैं समझा रहा था आपको। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कब कम होता है? जब मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री हो। बैरियर्स टू एंट्री समझते हैं क्या? क्या कि नया बिजनेस शुरू करना बहुत टफ है, कैपिटल इंटेंसिवनेस है, लाइसेंसिंग का चक्कर है, हर कोई उसमें आ नहीं सकता, ठीक? जैसे वही सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीकॉम, ये सब बैरियर्स टू एंट्री है। इतना इजी नहीं है कि कोई किसी के लिए भी ये सब बिजनेस शुरू करना। तो ऑब्वियसली देयर इन दैट सर्कमस्टेंस, इफ यू आर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बैरियर्स टू एंट्री, तो यू आर सेफ। बैरियर्स टू एंट्री होने से यू आर लिटिल सेफ। अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, जैसे चीनी बेचना है, सब्जी बेचना है, केक बेचना है, तो देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, तो यू हैव टू फेस टफ कॉम्पिटिशन। ओके, इफ एन इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल एंड देयर इज बैरियर्स एंड द बैरियर्स टू एंट्री आर लो, न्यू फर्म्स कुड एंटर द इंडस्ट्री लीडिंग टू एक्सेस सप्लाईज एंड रिड्यूस प्राइसेस। सिंपल एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे आईपीसीसी मार्केट और फाइनल मार्केट। फाइनल मार्केट में बैरियर टू एंट्री है, मानते हो? हर कोई पढ़ा सकता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक बार आप घुस के बैठ गए ना, फिर हिलता नहीं जल्दी से। हर कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई टीचर को बोलो, तुमको बोलो तुम सर मुझे पढ़ाना है, समझ में आ गया सब, अच्छा पढ़ाओ तो फाइनल से शुरू करो। नहीं 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 सर, अभी फाइनल कैसे है? शुरू करते सर, फाउंडेशन से शुरू कर लेते सर, 11 12 शुरू कर देते। 11 12 इज फ्री एंट्री, जिसको तिसको पढ़ाना है तो 11 12 से शुरू कर दो, फ्री एंट्री है, कंपटीशन टफ है। तो इंटरेस्टिंगली जब मैं पढ़ता था तो 400 रुपया पर सब्जेक्ट था, आज भी 400 रुपया पर सब्जेक्ट है, और ये बात आई थिंक 2004 से 13 साल पुरानी होगी। हाँ, 400 रुपया पर सब्जेक्ट में कलकत्ता में अच्छा से अच्छा जगह क्लास होता है, होम ट्यूशन भी मिल जाता है, नहीं? अब कितना लेते हैं पर सब्जेक्ट? नहीं, हम तो एक सब्जेक्ट का बोल रहे हैं ना, 400 रुपया में एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स पढ़ने जाना है 400 रुपया पर सब्जेक्ट, सप्ताह में दो दिन, तीन दिन। हाँ,
मतलब ज्यादा कोई उथल पुथल नहीं हुआ. हाल फिलहाल में कुछ टीचर्स से ही बात हो रही थी तो बोलते फीस उतना ही है अभी भी, 400 रुपया पर सब्जेक्ट, कोई कोई 500 लेता है, मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बोज बना हुआ है. बट ये क्या है, फ्री एंट्री है. फ्री एंट्री में आपको कॉम्पिटिटिव रहना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं और जहां पढ़ने वाले कम हैं वहां बेसिकली एंट्री का बैरियर है. आप ऐसा ही समझिए, वहां पे किसी चीज को तैयार करके चलाना मेहनत का काम है. एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, वेयर एवरी वेरी फ्यू न्यू फर्म्स एंटर द बिजनेस बिकॉज ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. मेडिसिन अगेन, इट इज लार्जली ड्रिवन बाय पेटेंट्स एंड न्यू फर्म्स माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर द इंडस्ट्री. करेक्ट. देन इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, राइवलरी अमॉन्ग्स द फर्म. मतलब कभी कभी होता है ना कि बस ग्राहक टाना टूनी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बोलते हैं उसको, टू विन ओवर कस्टमर्स. आपको इतना में मिला, मैं इतना में देता हूं. तो व्हेन फर्म्स आर, ये कब होता है ना, जब इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करिए, एक्सेस सप्लाई हो गया, तब ऐसा होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. अगर ऐसा चल रहा है तो आप उसमें क्या ही कमा लोगे. इफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में आप बैठे हो तो आप क्या कमा लोगे, बस यही बात हो रही है. उस समय कई बार लोग सोचते हैं एग्जिट मारो, तो हाई एग्जिट बैरियर्स भी होते हैं इसलिए बैठे हुए होते हैं. दिस इज अ केस वेयर द एग्जिट कॉस्ट आर हाई, हेंस फर्म्स मस्ट कंटिन्यू इन इंडस्ट्री डिस्पाइट एक्सेस कैपेसिटी एंड इंडस्ट्रियल लेवल. जैसे बहुत लोग नॉर्मली मार्केट में जो बैठते हैं ना, वो लोग हमेशा यही रोना रोते रहते हैं, क्या हालत हो गया बाजार का, मोदी जी बर्बाद कर दिया, ऊपर से ममता दीदी बर्बाद कर दी. पॉलिटिशियंस को गाली देते, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, बट सिचुएशन में हम लोग परेशान हो के, वो डिमोनेटाइजेशन भी आ गया, जीएसटी आने से तो कपड़ा बाजार ही खत्म हो गया हम लोगों का, सब वैसे ऐसे ही डायलॉग्स. करेक्ट. तो भाई जब हालत खराब हो गई छोड़ दीजिए, दूसरा बिजनेस करिए, एग्जिट इट. जहां घुटन महसूस हो रही है वहां से निकलिए. क्यों नहीं निकल पाते, हाई एग्जिट बैरियर्स. एग्जिट करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कम प्रॉफिट पे चला रहे हैं. ठीक. हायर फिक्स कॉस्ट, फर्म्स वुड वांट टू प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल टू कीप द यूनिट कॉस्ट लो लीडिंग टू सरप्लस कैपेसिटी. जितना हो रहा उतना में चलाओ. ओके. यहां पे एक इंपॉर्टेंट था, सिंस दीज फोर्सेज आर एवर चेंजिंग, Porter's framework needs to be employed as a dynamic analytical tool. देखो, याद तो वो डायग्राम रखना है, बट खाली डायग्राम याद रखोगे तो पॉइंट्स याद रहा, अंदर का मसाला नहीं बता पाओगे. तो आपको मैंने कुछ सिचुएशंस दिखाए, कब बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, कब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, कब कम होता है. आपको अपना जोन आइडेंटिफाई करना है, कहां से न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री से आएंगे, आप हो सकता है न्यू एंट्रेंट्स नई इंडस्ट्री से फेस करोगे. ठीक है. तो कहां पे सब्स्टिट्यूट का क्या क्या इंपैक्ट है. अगर सब्स्टिट्यूट्स है आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे, तो आप ज्यादा प्राइस पे नहीं जा सकते. अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो आप अपने हिसाब से प्राइस प्ले कर सकते हो. तो दैट इज ऑल बींग टॉक्ड अबाउट. And you should not do just for once and for all. You should continuously do it periodically so that you get to know where you are positioned. Okay. Next. Iske baad aa raha hai ab 6th number. Core competence analysis. Aa gaya core competence. Core competence matlab hota hai USP. USP ka full form? Universal nahi. Unique. Unique selling property. मतलब what is the uniqueness in your product which makes it selling, जो किसी और में नहीं है. ठीक है. Uniqueness that makes it selling, that attracts. जैसे exam में interviews में generally आपसे एक सवाल पूछता है, why should we hire you? They want you to talk about your core competence. So if you start like this, my core competencies, my USP नहीं बोलना, USP actually non-living के लिए लगता है.
my core competencies. ये मेरा कोर कॉम्पिटेंस है जिसके लिए आप मुझे हायर कर सकते हैं. मैं इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हूं और मेरा दावा है कि ऐसा शायद ही आपको कोई और करके देगा. दे वॉन्ट टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, दैट इज कोर कॉम्पिटेंस, एंड दैट हैज टू बी यूनिक, नॉट कॉमन अमंग ऑल. ओके, सो यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स. ओके, जैसे मैंने ये एचपी का लैपटॉप लिया हुआ है, अभी हाल फिलहाल में आपके बैच में लिया. तो क्यों लिया? उसका एक यूएसपी था. इसलिए लिया, और कोई लगाव नहीं था. सिर्फ एक यूएसपी के लिए मैंने ले लिया, क्योंकि ऐसा पेन बाकी और बहुत सारी कंपनियों का टच लैपटॉप आता है, बट ये पेन नहीं आता. एक यूएसपी पे ये जीत गया. तो यूएसपी होती है एक खास बात जो आपको अलग कर देता है, बस. दैट इज यूएसपी, वन पॉइंट दैट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम अदर्स. ओके, तो यूएसपी इज अ डिस्टिंक्टिव. देखो लिखते कैसे, ए एक, मल्टीपल नहीं होता है, एक होने से होगा. मल्टीपल है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ज्यादा ही आगे निकल गए, बट एक ही होने से होता है. और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दैट क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू. ठीक, जिसे मेरे जो यहां पे ब्रांडिंग पार्टनर्स है ना, जो एसजीसी के ब्रांडिंग पार्टनर्स है अभी करंट में, उनको ऐसे तो बहुत सारे डिजाइनर्स लोग मिलते हैं, उनको हायर करने का मेरा एक पॉइंट था जिसके लिए मैंने उनका सारा टर्म्स मान लिया. कैसे पता? ऑन टेबल बहुत सारी बातें हुई, ये होगा ऐना होगा तैना होगा, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या खास है कि आपसे काम कराए, ऐसे पूछ नहीं पा रहे थे. तो मैं बोला, देखिए इतनी सारी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, लेट अस स्टार्ट इट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. आप इनिशियल बिलिंग कर लीजिएगा पहला काम का जैसा आपका होता है, उसके बाद वी विल ज्वाइन फॉर लॉन्ग टर्म एंड वी शुड नो फ्रॉम वर्क रादर देन टॉक्स. तो बात सही लगी. अब वर्क में जब काम आया ना, तो उनका यूनिकनेस क्या था कि जो मैं बोलता था वो एज इट इज नहीं बनाते थे. नहीं समझे? एक होता है ना, कस्टमर बोला ये चाहिए तो दे दो, वो नहीं करते थे. वो सोचते थे कि क्या चीज का इंपैक्ट आज से 5 साल तक आप क्रिएट करके रख सकते हैं. आप जो सर बता रहे हैं इससे आज अच्छा लगेगा, लेकिन 5 साल तक ये अच्छा नहीं लगेगा. उसके उनके पास रीजंस होते थे. ये मुझे अट्रैक कर गया कि सर आप जो बता रहे हैं वो एक जगह अच्छा लगेगा, सब जगह नहीं अच्छा लगेगा. तो मेरे पसंद के कलर सब मुझे ड्रॉप करने पड़े, मेरे पसंद के डिजाइन, ग्राफिक्स, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो मुझे पसंद हो सब मैं ड्रॉप कर दिया. जैसा मैं चाहता था वो शायद, मुझे लगता रियलाइज उन्होंने कराया कि शायद मैं बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहा था. उनके साथ जुड़ने से एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग समझ में आने लगा. दैट वॉज देयर यूएसपी. फिर दूसरा इंप्रेशन कहाँ चेंज हुआ? उन्होंने किसी हमारे जान पहचान का एक लोगो बनाया था, मतलब किसी और कंपनी का, तो लोगो का एक एनालिसिस शीट भेजा था कि व्हाई दे मेड दिस शेप एंड व्हाट इज इट इंडिकेटिंग, व्हाई दिस कलर, व्हाई नॉट अदर कलर्स, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस कलर एंड व्हाट आर द ऑडियंस दैट यू आर टारगेटिंग एंड व्हाट दे विल थिंक फ्रॉम दिस कलर. माय गॉड, आई हैव नेवर सीन एन एनालिसिस दैट लाइक. तो मेरे को लगा कि यार लोग ये लोग में का यूएसपी है, ये इनका कॉम्पिटेंस है जो बाकी सब में नहीं है. सो लेट अस गो बाय दैट. तो एक चीज, एक खास बात जो आप में होनी चाहिए जो आपको डिस्टिंग्विश कर देगा, वो एक दिन में तैयार नहीं भी होता है. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बेसिकली कंटिन्यूअसली थिंक अपॉन इट कि व्हाट एक्स्ट्रा आई शुड क्रिएट इन मी दैट एवरीबॉडी विल लाइक मी. होता है ना कि एक कारण से आपको फीडबैक मिलता है, आप सुनोगे ना ध्यान से तो आपको फीडबैक मिलेंगे. आपको ऑफिस में सब पसंद करते हैं, क्यों? आप जब फीडबैक लेना शुरू करोगे या ध्यान देना शुरू करोगे आपको पता चलेगा. इस कारण से आपको
सब कोई पसंद कर लेते, तो ये आपका यूनिकनेस है, ये आपका कॉम्पिटेंस है। ऐसे ही सबका अपना अपना स्फीयर में अलग 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 यूएसपी होता है, अलग अलग कॉम्पिटेंस होता है कि ये काम में ये माहिर है। ओके, सो यूनिकनेस इज अ स्किल ऑल्सो, और सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग दैट इज ऑल्सो योर यूनिकनेस। Sometimes it can be your uniqueness can be say giving things on time. आप deadline का importance समझते हो। मैंने बोला सुबह, जैसे मेरे जो printers हैं वो मेरे साथ क्यों attached है पता है? मैं सुबह बोलूंगा ना इतना books, अगला दिन yes sir, और वहीं दूसरे printers से जाता हूं sir आज तो कैसे होगा, sir कल तो कैसे होगा। तो हमें वही लोग चाहिए जो आज आज बोलने से आज ही रेडी है। तो दैट इज देयर कोर कॉम्पिटेंस दैट दे आर एबल टू स्टैंड एट दैट सिचुएशन। ओके, द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ गूगल इज कैपेबिलिटी टू डिलीवर एक्सेलेंट सर्च रिजल्ट्स। इसलिए तो बार बार सर्च करने के लिए याहू में नहीं जाते, बिंग में नहीं जाते, बोलते यार बेकार दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, गूगल में ही चलो। क्यों? वो उसका कोर कॉम्पिटेंस है एंड इट कुड नॉट बी इमिटेटेड बाई इट्स कॉम्पिटिटर्स। कोर कॉम्पिटेंस का खासियत होता है इट शुड नॉट बी इमिटेटेड। कोर कॉम्पिटेंस आर फंक्शन ऑफ द कलेक्टिव स्किल सेट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अ कोर कॉम्पिटेंस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आप में अगर कोर कॉम्पिटेंस है तो जरूर आप दूसरों से अलग साबित हो सकते हैं। द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कुड रिजल्ट फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको बता रहा हूं जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे 6A में, देखिए मैंने बताया था टू वेज ऑफ अचीविंग इट, टू वेज ऑफ अचीविंग इट। व्हाट आर टू वेज नाउ यू टेल मी? How will you achieve core competence? ठीक से पढ़िए। Core competence और competitive advantage are two different things. ये रहा। A unique skill या फिर technological know-how. करेक्ट? अभी समझ में आ रहा है आपको? कैसे आएगा कोर कॉम्पिटेंसी? एक ऐसा चीज जो आपको ही आता है और किसी को नहीं आता, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल नो। टेक्नोलॉजी इज इजीएस्ट वे टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी। दूसरा 6B, थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट। ये देखिए अभी आने जा रहा है वो थ्री टेस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी। आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा वो? या फिर आप बोलते हैं जैसे मेरे पास एक कोर कॉम्पिटेंस है, आपको मालूम है मेरे पास ये वाला कोर कॉम्पिटेंस है, बट वो वाकई में कोर कॉम्पिटेंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा? उसके लिए टेस्ट हो रहा है। पहला टेस्ट है एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स, मतलब उसके कारण जो एंड प्रोडक्ट जनरेट होगा उसके बेनिफिट्स का लिस्ट बताइए। दूसरा एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, मतलब आपके पास कोर कॉम्पिटेंस होगा तो आपका प्रेजेंट सिनेरियो ये होगा कि आप बहुत जगह उसको लेके जा सकते हैं। तीसरा डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, कि ये कोई और आपसे ले नहीं सकता। अभी एक फेसबुक में देखा मैंने, एक बार्बर का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है जो हेयर कट करने के लिए बाल पे आग लगाता है, फ्लेम्स, देखा होगा आपने। तो उससे इंटरव्यू लेने वाला पूछ भी रहा आप ये कैसे करते हो, तो बोलता है नहीं ये मैं नहीं बता सकता, ये मेरा खोजा हुआ तरीका है। देखा है क्या वो वीडियो? ये क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी तो है अगले का, ठीक है मत बता। एंड अगर उसको लगता वो बता देगा तो कॉम्पिटिटर्स उसके इमिटेट कर लेंगे, और एक्चुअली वो इमिटेशन करने लायक तो नहीं, कोई बाल में आग लगा के हेयर कट करना
मजाक का बात तो है नहीं. तो डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट इट इज द प्राइम, मतलब आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, बट कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं ना, डिफिकल्ट लिखा है, इम्पॉसिबल नहीं लिखा है. इम्पॉसिबल नहीं लिखा, ये ध्यान रखिए. आज ही तो कल वो इमिटेट करेगा. तो आपको इवॉल्व करना पड़ता है हर दिन, कुछ और आगे करना पड़ता है. ठीक है, दूसरा इज योर से टेस्ट ऑफ एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी. तीसरा इज टेस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स. हम लोग बोल रहे हैं इसको रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इवॉल्विंग. Requires continuous evolving, else you will be like Nokia. Motorola. Bajaj Auto. Bajaj Auto, पता है हमारा Bajaj ad सुने है? हाँ, बजाज स्कूटर इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ. हमारा बजाज मतलब एक शान होती थी जिसके पास बजाज स्कूटर. बट मोटरसाइकिल जब लॉन्च हुआ ना, बैलेंस नहीं कर पाया, इसका स्कूटर बंद हो गया. मोटरसाइकिल के सामने स्कूटर बंद हो करना पड़ा. बजाज ऑटो का बिजनेस जीरो. जो उसका कोर कॉम्पिटेंस था वो खत्म. ओके, इवॉल्व करना पड़ता है. फिर पल्सर आया तो थोड़ा बचा, बट उतना रीगेन नहीं कर पाया. बजाज अभी भी अपना मोटर बिजनेस में बहुत पीछे है. हीरो जितना आगे निकल गया, हीरो होंडा जितना आगे निकल गया. हीरो होंडा वॉज द कॉम्पिटिशन गिवर. ओके, उसी तरह से हिंदुस्तान मोटर, नाम सुने ही होंगे, एम्बेसडर कार, इसके बारे में पहले भी बात हुई है. बदलना नहीं चाहते थे भाई, लोगों को सस्ता गाड़ी छोटा गाड़ी देने नहीं सके. अपना कॉम्पिटेंस को खाली बना के रखा, ये मेरा कॉम्पिटेंस है, मैं एकदम टफ मेटल का चीज देता हूं. कोई भीड़ के दिखाए हमारे कार से, ठीक है, अच्छा है, बट जमाने की जरूरत कुछ और आ रही है. आपको इवॉल्व करना पड़ेगा वरना कंपनी बंद. ठीक, मोटोरोला के लिए इसलिए कि मोटोरोला टेलीकॉम दुनिया का, मतलब फोन की दुनिया का बादशाह था. यूएस में आज भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, बट वो वर्ल्ड में नहीं पॉपुलर हो पाया. मोटोरोला कंपनी बंद, मतलब जो उसके ओनर्स थे वो सबको जाना पड़ा. अभी मोटोरोला इज बींग एक्वायर्ड बाय लेनोवो. आज अगर ये कंपनी अपना धाक बना के रखती तो कोई का हिम्मत था कि कोई बाहर देश का कंपनी आके इसको उठा लेता? मोटोरोला के फोन अभी भी उतने अट्रैक्टिव नहीं आए, आप देखिए. जबकि टेलीकॉम दुनिया के मैक्सिमम पेटेंट्स आज भी मोटोरोला के पास है. बोलते 3000 से ज्यादा पेटेंट है फोन में. जो जो फीचर्स होते हैं ना, जैसे फोन में कॉलिंग फीचर, कॉल सुनते सुनते एसएमएस घुस जाता है अंदर, बात होते होते बीच में एसएमएस आ जाता है, एसएमएस लौट के नहीं जाता. बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो मोटरोला के ही बनाए हुए और वो पेटेंट लिए हुए. मतलब जो लोग फोन बनाते हैं उनको मोटरोला का पेटेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, और उनका इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारा है. ओके, एक लास्ट सिक्स का और क्या है, सी टू सोर्सेस, कहां से क्रिएट करेंगे. ये रहा नंबर वन, आपको रिसोर्स लगेगा. नंबर वन रिसोर्स, जो टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है. एप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. एप्पल बोलते हैं कि हम लोगों का जो भी आज भी अस्तित्व है वो कुछ पैशनेट इंजीनियर्स के कारण है, जिन्होंने दुनिया बदलने का डिसीजन ले लिया. तो एप्पल अपने इंप्लॉय को जितने हिफाजत से रखता है, बोलते दुनिया में कोई नहीं रखता है.
इम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए ले लो, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। कितना दिन का छुट्टी चाहिए कोई पूछेगा ही नहीं। सैलरी महीना महीना पहुंचेगा, 3 महीना से आप काम नहीं करे कोई नहीं सवाल पूछेगा। आपको सुबह आके क्या करना है नहीं करना कोई बताएगा नहीं। आपको एक हायरिंग के समय आपको अपना काम दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि आप और क्या करना चाहते हो कंपनी के लिए, और वो करके दिखाओ। आप बोलते हो उनको कंपनी स्पॉन्सर्ड एक वेकेशन चाहिए, ले लो। इम्प्लॉई के कारण ही वो बोलते हैं हम लोग बदले हैं, और यही हमारा यूएसपी है। एप्पल इम्प्लॉयज कहीं जाना नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए देते रहिए। वो बोलता है ऑफिस में बैठ के मेरे को सो के काम करने का मन करता है, बना देते हैं। एप्पल ऑफिस वैसे ही बने हुए, गूगल ऑफिस, एप्पल ऑफिस, आप देखिए गूगल करके कभी। नंबर टू, कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज मींस एबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज, ये रहा एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पुट देम टू प्रोडक्टिव यूज। मतलब दोनों साथ में काम करना चाहिए, बोथ शुड वर्क टुगेदर। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास रिसोर्स है यही मेरा स्किल है, नहीं। मेरे पास कैपेबिलिटी है यही मेरा स्किल है, नहीं। दोनों होना चाहिए, रिसोर्स और कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्स। रिसोर्स है बट आप यूज नहीं कर पा रहे तो देयर इज नो बेनिफिट। बोथ आर रिक्वायर्ड टुगेदर, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक यहां पे रिकॉर्डिंग करने के लिए एक फिल्म शूटिंग जिसे होता है, बहुत एक्सपेंसिव कैमरास होते हैं, उस कैमरा को लाके रख दिया। ये मेरा यूएसपी कि वीडियो क्लास में एक बहुत मस्त क्वालिटी आएगी, करेक्ट। बट लाके रख दिया, यूज ही नहीं किया, तो यूएसपी क्या काम का, करेक्ट। तो रिसोर्स को यूज करने की कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए, वरना यूएसपी कभी भी क्रिएट नहीं होगा। जैसे कई मेरे बाहर के जो पहचान वाले लोग हैं, जो नॉन इंडस्ट्री रिलेटेड है, मतलब जो पढ़ाने की इंडस्ट्री से नहीं है, वो कई बार मेरे को मेरे कोर कॉम्पिटेंस के बारे में बताते हैं कि सतीश का एक खासियत है जो हम सब में शायद ही है। क्या खासियत आप बताइए, क्योंकि वो मैं तो आप लोग को पढ़ा नहीं रहा तो आप लोग कैसे बता पाते। तो इसका खासियत है कि ये अपने रिसोर्सेज को 100% यूज करके इस तरह का ढांचा में डाल देता है कि फिर उसको कोई भी यूज कर सकता है। मतलब अपने रिसोर्सेज को एक गैदर करके इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है कि फिर उसको कोई भी यूज कर सकता है। ये इसका खासियत है, ये मैंने कई बार देखा है। तो वो अपने हिसाब से बताते, तो दैट इज माई कोर कॉम्पिटेंस इन देयर आइज। In your eyes, it can be a little different. In some my family members' eyes, it can be some different thing. Okay, depends on the situation. But ultimately, resource ke saath capabilities honi bahut zaruri hai. And lastly, 6D. 6D is your ways of achieving it by value chain. Ways of achieving it. फोर वेज ऑफ अचीविंग इट, जिसमें नंबर वन ये रहा। ये देखिए नंबर वन यहां से चालू हो रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं। नंबर वन इज टू वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसी इन करेंट बिजनेस। वैलिडेट करना मतलब चेक करना कि आपका जो अभी है वो वाकई में है कि नहीं है, कि आप भ्रम में जी रहे हैं। वैलिडेट करना कि आप सच में उससे कोई एडवांटेज ले पा रहे हैं क्या। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक, तो आप उसका एडवांटेज ले पा रहे हैं क्या। जैसे एक एग्जांपल केस स्टडी देखिए, मैं सोचता हूं एसजेसी का कोर कॉम्पिटेंसी है सर पर्सनली सबके साथ अवेलेबल रहते। सोचिए, तो मुझे यह भी सोचना है अगर ये मेरा कोर कॉम्पिटेंसी तो मैं इसका एडवांटेज ले पाता हूं क्या। एडवांटेज मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, एडवांटेज मींस क्या वाकई में मैं ऐसे हर सब पीरियोडिक इंटरवल्स में स्टूडेंट्स से मिलता हूं क्या जो ऐसा महसूस करते हैं। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कोर कॉम्पिटेंस है। ओके,
वैसे ही कोर कॉम्पिटेंस आपको अपना वैलिडेट करना पड़ेगा. एक इसके ऊपर स्टोरी आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक बार एक गार्डनर था, गार्डनर, वो गार्डनर गरीबी था, एक रिच फैमिली में काम करता था. उसको क्या फिराक आया, वो एक दिन थोड़ा सा छुट्टी लेके बोला कि सर मैं आता हूं, ठीक आओ. गया बाहर, कोई नियरेस्ट पीसीओ से अपने मालिक को फोन किया दूसरा आवाज में कि सर मैं ऐसे ऐसे आपका नंबर मिला और मैं गार्डनिंग बहुत अच्छा जानता हूं सर, क्या आप मुझे काम दोगे सर? समझ रहे हैं? तो मालिक बोला नहीं नहीं हमारे यहाँ पे गार्डनर है. सर मैं बहुत अच्छा गार्डनिंग जानता हूँ सर, मैं पहले और भी इतने रिच रिच क्लास में काम करके आया हूं. ये गार्डन का आपने सर नाम सुना है, उसमें मैं भी काम करता था. मालिक बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी मेरे पास आदमी है सर, मेरे को पैसों को भी परवाह नहीं है सर, आप जो देंगे मैं ले लूंगा. उसको तो अपना वेजेस मालूम था, मान लो 500 रुपया पर महीना था. बोले सर आप 400 देंगे तो भी चलेगा सर. सर मैं गार्डनिंग के साथ साथ आपका और भी गाड़ी वाड़ी धुलाई भी कर दूंगा सर, और एक्स्ट्रा काम भी बोलेंगे तो कर दूंगा सर. सर टाइम का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं? उधर से बात, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ना सर, प्लीज सर मुझे काम की बहुत जरूरत है सर, मेरे घर में बहुत गरीब लोग हैं सर, बीमार पड़े सर, काम दे दीजिए सर प्लीज. अरे तुम मुझे आज के बाद फोन मत करना. फोन वो पटक दिया और वो गार्डनर पीसीओ पे पैसे दे रहा था. तो पीसीओ वाला तो काम यही है सबका फोन में बात सुनो. तो वो पैसे लेते लेते पूछा भाई बहुत काम की जरूरत है तो मेरे यहां रुक जाओ भाई, और क्या बोलू मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया? नहीं नहीं मैं तो बस मैं ही वो गार्डनर हूं जिसके यहां वो काम करते, जो उनके यहां काम करता, मैं तो चेक करने आया था मालिक मेरे से खुश है कि नहीं, बस संतुष्टि मिल गई मैं जा रहा हूं वापस वही काम करने. मालिक को मेरी कितनी जरूरत है मैं वैलिडेट करने आया था. समझ में आ रहा है? ट्राई करिए कभी अपने ऑफिस में कि जरूरत है कि नहीं आपकी. हाँ वैलिडेट करना बोलते हैं इसी को. नंबर टू, वैलिडेट करने के बाद सेकंड पॉइंट है लिवरेज. लिवरेज करो, लिवरेज करना मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस. अगर आप में सच में कोई खास बात है तो आप उसको ऐसा एग्जिस्टिंग बिजनेस में दूसरा जगह क्यों नहीं यूज कर सकते? एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसका फायदा उठाइए. जैसे कि इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, यहां पे तो दिया हुआ बैंक को लेके, एक एग्जाम्पल यहां पे बैंक को लेके दे रहा है. बैंक में बोल रहा है कि जनरली बैंक के इतने सारे ब्रांचेस होते हैं टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव देम लोन्स, बट इफ दे वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इंश्योरेंस इट इज इजी फॉर देम, दे कैन यूज देयर दिस देयर कॉम्पिटेंस इज व्हाट नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट दे आर हैविंग, दैट इज देयर कॉम्पिटेंस. ओके, एंड यू दे कैन यूज दैट कॉम्पिटेंस टू लिवरेज अदर बिजनेस. नया बिजनेस पकड़ लिया, अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, इंश्योरेंस को भी बढ़ावा दे रहे, ईडीसी मशीन को बढ़ावा दे रहे, क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बढ़ावा दे रहे, करेक्ट. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है रजनीगंधा बनाने वाली कंपनी का. इस कंपनी का नाम है धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप. इन्होंने पहली बार शुरू किया था किससे, टोबैको से. बाबा जर्दा नाम सुने होंगे, बाबा 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 जर्दा पहली बार बनाया था इन्होंने. अरे नाम सुने होंगे, हम थोड़ी बोल रहे खाए होंगे, नाम तो बहुत चीज का सुने हुए होते हैं. पेरिस का नाम सुने तो गए होंगे, गजब बात. बाबा जर्दा पहली बार बनाया था जिससे कंपनी नाम कंपनी बना बेसिकली बाबा जर्दा से. दो भाई थे ये, धर्मपाल सुगंधी सत्यपाल सुगंधी का नाम था. तो
तो धर्मपाल सत्यपाल बोल के कंपनी इन्होंने फर्म बनाया और फिर बाबा जर्दा का लेवल्स चेंज करके फिर उन्होंने शुरू किया तुलसी बनाना। तुलसी के बाद रजनीगंधा लॉन्च किया और रजनीगंधा के बाद तो कंपनी का फ्यूचर ही चेंज हो गया। अब तो बच्चे भी खाए तो लेडीज भी खाए। अरे लेडीज लोग को भी तो रजनीगंधा, अरे मसाला का पैकेट पॉकेट में रहता है। तो अब इनको नया कुछ करना था। इनका मेन कॉम्पिटेंसी क्या पता है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जिस गली में जाओ जहां जाओ मिल जाता है। मतलब सोचिए कंपनी कहां से कहां पहुंचा रहा है, करेक्ट, कहां बन रहा है और कहां मिल जा रहा है। दिस इज देयर कॉम्पिटेंसी। तो इस कॉम्पिटेंसी का फायदा उठाया, इन्होंने कैंडी बिजनेस में हाथ डाला। कैंडी, टॉफी, पल्स, हाँ, चिल्ड्रन डे आ रहा है ना, तो मैं सोचा पल्स खिलाते हैं। लीजिए, बांटिए सबको, दो दो पीस ही देना, उससे ज्यादा मत देना। एक मैं भी ले लेता। पढ़ना इसमें कौन बेचता है इसको, इसको पढ़ो, खाना नहीं सीधा, रैपर यहां नहीं फेंकना, दो से ज्यादा नहीं देना, एक लेना चाहता है तो एक दे दो, रैपर यहां नहीं फेंकना पॉकेट में। भाई याद कैसे रहेगा पढ़ाई? कॉम्पिटेंस है। 8 महीना में 100 करोड़ का बिजनेस कर डाला। ये एक बेंचमार्क था कैंडी इंडस्ट्री इन इंडिया में। इसका कोई टीवी वीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं आया था शुरुआत में, शुरू में नहीं आया था, 100 करोड़ करने के बाद एडवर्टीजमेंट आया। कोर कॉम्पिटेंस को लिवरेज कर लिया इन्होंने। पढ़ो ना धर्मपाल सत्यपाल, पढ़ा क्या? हाँ, कच्चा आम, मजा आता है खाने में। दूर तेरी की, ब्रेन कम हो जाता है। ये सब व्हाट्सएप में जो घूमता है ना, वो सब पे विश्वास मत किया करी। वो छोटा बच्चा लोग को बोलते हैं टॉफी खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, अब देखो लाइव क्लास का कॉम्पिटेंसी क्या है। लाइव क्लास का ये सब मिलता है, वीडियो वालों को नहीं मिलता है। कल क्या मिलेगा पता नहीं। एग्जाम्पल पल्स लिख लेना, पल्स, धर्मपाल सत्यपाल। मुंह में रजनीगंधा, लेके आता है तो कुछ स्टूडेंट लोग पॉकेट में, हम तो देखता है ना, कई बार तो मैं मांग के खा लेता हूं, दो दाना दे देना तुम, अपने तो वही है, दो दाना, दो दाना नहीं खाते आप लोग। तो मारवाड़ी कैसे हुए? मारवाड़ियों में सिस्टम है, बात बात में दो दानों देना भाई। लास्टली, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं कि आप अपना कोर कॉम्पिटेंस को यूज करके इंप्रूव योर वैल्यू चेन। एक एग्जांपल है इसका, आप लोग फूड बाजार अभी लेटेस्ट में गए क्या? एक कलकत्ता में खुला बड़ा वाला फूड बाजार, यहां पर लेक टाउन में, लेक टाउन एक कॉम्प्लेक्स में फूड बाजार खोला। जब खुला ना, 15 दिन तक लाइन लगती थी घुसने के लिए। ऐसा क्या फूड बाजार बना दिया? उनका कॉम्पिटेंस क्या फूड बाजार का, वो तो आप जानते ही हैं। यू कैन गेट ऑल द बेसिक ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स एट वन प्लेस एंड एट द नॉर्मल मार्केट रेट्स, दैट इज देयर कॉम्पिटेंस।
and how they use their core competence to improve value chain, they started displaying cut vegetables. और वहां पे काउंटर बना दिया कि आप वेजिटेबल खरीदो, यहां कटिंग करा लो फ्री में. तो घर की लेडीज लोग के लिए क्या आराम हो गया सोचो, कि सब्जी को लाओ, धो, काटो, इतना झमेला. और कुछ कुछ सब्जियां वाकई में काटने में बहुत परेशानी होता है, तो वो लोग वहां पे कुछ चॉपर्स लेके बैठे हुए हैं और जैसा आप बोलोगे जो साइज का बोले बड़ काट के दे देंगे. पाइनएप्पल खरीदा तो पाइनएप्पल कटिंग कितना परेशानी है, अनार खरीदा तो अनार छिलवाना कितना परेशानी है. वो लोग खरीद लीजिए आप, वो लोग काटने के लिए बैठे हुए हैं, तो लाइन नहीं लगे तो क्या लगे भाई. इसको बोल रहे रिकॉन्फिगरिंग द वैल्यू चेन. इसका एग्जाम्पल हुआ आपका फूड बाजार्स डिस्प्लेइंग और यस सेलिंग चॉप्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. उन्होंने अपना एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन को रिकॉन्फिगर कर लिया. इसमें एक एग्जाम्पल है आईकिया करके कंपनी का, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. आईकिया एक फर्नीचर सेलिंग कंपनी है, अब्रॉड में फर्नीचर सेलिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा ब्रांड आईकिया. उन्होंने अपना फर्नीचर इंडस्ट्री को कैसे रिवैम्प किया वो यहां पे बता रहा है. और एक लास्टली देखो चार पॉइंट था, वन था वैलिडेट, टू था लिवरेज, थ्री हुआ रिकॉन्फिगर, और फोर्थ आ रहा है क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन. आप एक नया लाइन ऑफ बिजनेस में चले जाइए जो पहले था ही नहीं आपका, उस कॉम्पिटेंस का ख्याल रखते हुए क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन. दिस इज योर नंबर फोर. जैसे एप्पल ने एप्पल टीवी लॉन्च किया, एप्पल टीवी, एप्पल टीवी इज अ कॉन्सेप्ट कि आप टीवी है बेसिकली, एप्पल का टीवी आ रहा है आप ऐसा समझिए. एप्पल टीवी में वो लोग टेलीविजन डिस्प्ले डिवाइस नहीं दे गए, एप्पल टीवी में देर इज वन बॉक्स विच इज कनेक्टिंग योर टीवी विथ एप्पल, काइंड ऑफ सेट ऑफ बॉक्स काइंड ऑफ थिंग है. वैसे एप्पल कार में घुस रहा है कि आपका कार का जो ऑडियो विजुअल डिस्प्ले डिवाइस होता है वो आपका एप्पल से कनेक्ट हो जाएगा. ब्लूटूथ से होता है वो अलग है, एप्पल का एक टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होगा और सब इंटीग्रेटेड होगा. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग. तो दैट इज क्रिएटिंग न्यू वैल्यू चेन. टुडे वी हैव टू स्टॉप हियर. यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स for better understanding in tomorrow's class. Thank you.